तो दोस्तों, कल रात इंडिया ने जिस अंदाज में अफ्रीका को हराकर सीरीज की शानदार शुरुआत की है, उसे बॉलिंग की नजरों से देखा जाए तो बेहद शानदार ढंग से आगाज हुआ है। मगर कुछ फैंस राहुल की बैटिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इंडिया की 8 विकेट की बड़ी जीत के बावजूद 18वें ओवर तक 106 रन बनाने को ढीला अप्रोच बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राहुल को इतना स्लो खेलना सही था या गलत? तो चलिए, सवाल के साथ कल रात खड़े हुए बुमराह की फिटनेस समेत और भी कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं क्रिक माइंड की खास पेशकश हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट के एक और एपिसोड में। दोस्तों, कल रात जब पता चला कि बुमराह बैक पेन के चलते फर्स्ट टी20 मैच नहीं खेल पाएंगे तो दीपक चहर के लिए टीम में आने का रास्ता खुल गया। लेकिन अब फैंस समेत टीम मैनेजमेंट की टेंशन जरूर बढ़ गई है, क्योंकि बुमराह अभी तो चोट से वापस लौटे थे और कल फिर से फिट नहीं थे। ऐसे में बुमराह के टी20 वर्ल्ड कप तक 100% फिट होने के आसार कम नजर आ रहे हैं, जो इंडियन टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है। वो भी तब जब प्रेजेंट में इंडियन बॉलिंग लाइनअप बेहद कमजोर नजर आ रही है। हालांकि कल रात जिस अंदाज में दीपक चाहर और अर्शदीप ने शानदार शुरुआत की, उसने फ्यूचर के लिए कुछ उम्मीद जरूर जगा दी है, क्योंकि टेम्बा बाबूमा, डेविड मिलर, राइली रूसो, ट्रिस्टन स्टब्स और डिकॉक जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को सिर्फ 9 रनों के अंदर ही आउट कर देना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे आप कह सकते हैं कि कल हुई शानदार पेस बॉलिंग में पिच भी काफी जिम्मेदार थी, क्योंकि 3.5 साल बाद तिरुवनंतपुरम के ग्राउंड पर मैच हो रहा था, इसलिए उम्मीद थी कि कुछ बड़े रन देखने को मिलेंगे। मगर क्यूरेटर ने पिच को हरा भरा रखा, जिसका फायदा इंडियन पेसर्स ने खूब उठाया। खासकर दीपक ने पहले ही ओवर में जिस तरह से कंट्रोल स्विंग गेंदबाजी की, उसने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दीपक टी20 वर्ल्ड कप टीम में क्यों नहीं है। जबकि अर्शदीप ने पावर प्ले बॉलर नहीं होने की रेपो को भी कल गलत साबित कर दिया। उन्होंने जिस तरह से स्विंग और स्लो बॉल्स का मिक्सचर कल रात शो किया, उसने अर्शदीप के बेहतरीन गेम सेंस की मिसाल पेश की। अब देखना यह है कि अर्शदीप, दीपक और हर्षल आगे के मौकों का फायदा कैसे उठाते हैं, क्योंकि कल रात तो तीनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को 106 रनों पर रोक दिया था, जिसमें खास योगदान अश्विन का भी था, क्योंकि उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 8 रन दिए। लेकिन शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस के बावजूद 19वां ओवर कल के लिए फिर महंगा रहा। इस बार अर्शदीप को 19वें ओवर में केशव महाराज ने आड़े हाथों लिया और 17 रन बनाए। इस मोमेंट पर सारे फैंस के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि 19वें ओवर का तिलिस्म खत्म क्यों नहीं होता। खैर, जो भी हो, पहली पारी के बाद फैंस को उम्मीद थी कि इंडियन बैटिंग लाइनअप भी अटैकिंग गेम शो करेगी और जल्द से जल्द 107 रनों का टारगेट अचीव कर लेगी। मगर रबाडा नौरकिये ने रोहित और कोहली का विकेट लेकर इंडिया को शुरुआती झटके दिए, जिसके बाद राहुल ने संभल कर खेलना शुरू किया। यही राहुल एक समय डिफेंसिव शेल में चले गए और इतना स्लो खेले कि 36 बॉल्स में सिर्फ 15 रन बनाए। मगर सूर्य कुमार यादव एक तरफ से रन बरसाते रहे, जहां पिच बॉलर्स को खूब सपोर्ट कर रही थी और राहुल को खेलने में प्रॉब्लम हो रही थी, वहीं स्काई ने अपने निराले अंदाज में मैदान के सभी डायरेक्शन में शॉट्स लगाए। कुछ देर बाद राहुल ने भी अटैक करना शुरू किया और बड़े आराम से इंडिया को 8 विकेट की बड़ी जीत दिला दी। हालांकि फैंस राहुल की 56 बॉल्स में 51 रनों की इनिंग को स्लो होने पर खूब सवाल खड़ा कर रहे थे। मगर क्रिक माइंड का मानना थोड़ा अलग है। हमें लगता है कि कल राहुल ने ठीक किया है, क्योंकि एक तो कल रात तेजी से ज्यादा मुश्किल पिच पर टिके रहने की जरूरत थी, दूसरा राहुल को टच में वापस लौटने के लिए मैदान पर वक्त भी बिताना था। अब क्या हुआ जो राहुल ने हल्की पारी खेली? आखिरी बात यह है कि इंडिया ने जीत के साथ सीरीज की शुरुआत की है। तो दोस्तों, कल रात हुए मैच में आपका फेवरेट मोमेंट क्या था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपको क्रिक माइंड की हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट सीरीज आपको कैसी लगी, ये भी बताएं। वैसे हम आपके उन टॉपिक के सजेशंस का भी इंतजार कर रहे हैं जिन पर आप क्रिस्पी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।